अब अगर मैं एग्रीकल्चरल आउटपुट के रेफरेंस में बात करूं तो अगर पास्को एंड फूड डिपार्टमेंट इज परचेजिंग वेट फ्रॉम द फार्मर्स तो हम कह सकते हैं दैट इज द अंडर द कंडीशन ऑफ ऑल्स कि देयर आर ओनली टू बायर्स ऑफ द वेट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर फिर इसी पैटर्न पर अगर मैं शुगर केन मिल्स की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ दैट इज आल्सो अंडर दॉप्स नी के देर आर फ्यू बायर्स ऑफ द शुगर केन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाई फार्मर जब आप नॉपिस्टिक कंपटीशन की बात करते हो यहां पे क्या होता है देर आर मेनी फर्म्स आर बाइंग रिसोर्सेस विद द कैपेसिटी ऑफ सर्विसेज डिफरेंशियटिंग आपके पास डिफरेंट बायर्स हैं लेकिन वो कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज पे कर आप कह लें दे रहे हैं टू द प्रोड्यूसर्स वो डिफरेंशिएशन इन सर्विसेज टू प्रोड्यूसर्स किस किस फॉर्म में होंगी इट माइट बी पॉसिबल दे आर प्रोवाइडिंग सम टाइप ऑफ द कन्वीनियंस प्रोसेसिंग फेसिलिटी फिर वहां पे के जो भी आपका बायर है ही है to, to of, फिर इसके साथ कुछ पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जी वो एक वो पर्टिकुलर जो बायर है दैट इज वेरी

by using by using that quantity of input where it is maximizing where the firms are maximizing their profit jab wo quantity of input ke bare mein decide kar lenge to sath hi it it will also help help them help them to determine the price that should be paid to the input जब आप equilibrium की बात करते हैं equilibrium यहां पे भी उसी pattern पे होगा जिस तरह हम लोगों ने study किया था under मोनोप्सनी और ये इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड मार्जिनल इनपुट कॉस्ट कि जिस पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल इनपुट कॉस्ट हो जाएगा देन क्या होगा कि अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी जो भी इनपुट होगा वो इंडिकेट करेगा क्वांटिटी ऑफ इनपुट वेयर ऑलिगोपनिस्ट आर मोनोप्सनिस्ट इज मैक्सिमाइजिंग हिज प्रॉफिट हाँ यहाँ पे अगर मैं ये तो सिर्फ उस कंडीशन में होगा ना मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड मार्जिनल इनपुट कॉस्ट का जब हम बात करते हैं कि फर्म इज अंडर द कंडीशन ऑफ ऑलिगोपनी आर फर्म इज अंडर द कंडीशन ऑफ मोनोपनिस्टिक कम्पिटिशन के में और दूसरे एंड पे मेरे पास यहाँ पे क्या है अगर मैं यहाँ पे अज्यूम कर लूँ कि दूसरे एंड पे जो मार्केट है दैट इज अंडर द दोनोपली फिर तो यहाँ पे ये यह इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रिवेल करेगी लेकिन अगर हम अज्यूम करें कि जो सेलिंग वाली साइड है वहां पे जो मार्केट है दैट इज परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट देन ये क्लिब्रियम आपका अक्कर होगा वेयर मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल इनपुट कॉस्ट लेकिन बाइंग वाली एंड पे मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं फर्म इज अंडर ओलिगोप्सनी एंड मोनोप्सोनिस्टिक कंपिटिशन एक और जो बात हम देख सकते हैं कि फॉर फॉर द फर्म्स दैट आर ऑपरेटिंग अंडर ओलिगोप्सनी उनकी जो सप्लाई ऑफ इनपुट है दैट इज लेस इलास्टिक फॉर द फर्म्स दैट आर ऑपरेटिंग अंडर नॉप्सोनिस्टिक कंपटीशन और यहां पे अबाउट द क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूज एंड प्राइस पे टू द इनपुट उसकी डिटर्मिनेशन में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड बड़ा की रोल प्ले करता है अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मैं यहां पे किस चीज की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात कर रहा हूं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ इनपुट इफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ इनपुट इंक्रीज़ेस। क्या जी आपके पास दो कर्व थी एक आप कह लें मोर इलास्टिक एक आपके पास लेस इलास्टिक जो आपके पास मोर इलास्टिक कर्व है उसके साथ अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को फाइंड आउट करोगे तो वहां पे आपके पास जो लेवल ऑफ प्रॉफिट इन बाइंग होगा वो लोअर होगा एज कंपेयर टू सप्लाई कर वेयर इट इज इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ इनपुट इज इन इलास्टिक तो वहां पर क्या होगा कि एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिक्रीजेस देन आपके पास जो लेवल ऑफ प्रॉफिट है लेवल ऑफ प्रॉफिट इन बाइंग होगा वो क्या होगा इट विल इनक्रीज यहां पर जो जो हम सप्लाई की बात कर रहे हैं दैट इज विद रेफरेंस टू सप्लाई ऑफ इनपुट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ इनपुट इंक्रीज करें और बाइंग एंड पे आपके पास सिचुएशन क्या है आदर दिस्ट आर मोनोपनिस्ट तो वहां पे क्या होगा उसके लेवल ऑफ प्रॉफिट इन बाइंग कुछ कम हो जाएंगे लेकिन अगर वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिक्रीज कर जाए सप्लाई ऑफ इनपुट डिक्रीजेस तो वहां पे जो आपके पास ऑलिग ऑप्शनिस्ट आर होंगे उनके क्या होंगे लेवल ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएंगे इन बाइंग जी जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं कि इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ द आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय बाईपनिस्ट आर मोनोप्सोनिस्ट तो उस केस में क्या हो जाएगा कि एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर आउटपुट इंक्रीजेस उसके जो लेवल ऑफ प्रॉफिट्स हैं वो सेलिंग में क्या हो जाएंगे वो कुछ डिक्रीज हो जाएंगे और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द आउटपुट डिक्रीज हो जाए तो उस केस में क्या होगा देयर इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रॉफिट्स इन सेलिंग लेकिन यहां पे हम जिस रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि बाइंग एंड पे फर्म क्या थी फर्म इज ऑलिपोनिस्ट आर के अब आपके पास जो लेवल ऑफ प्रॉफिट अगर मैं इस सारे को समराइज कर दूं तो हम एक चीज यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके प्रॉफिट इन बाइंग साइड एंड सेलिंग साइड ज विद देंज इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ इनपुट एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमैंड फॉर आउटपुट और ये जो दोनों फैक्टर्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमेंड इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट